हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम MNS मॉक टेस्ट सेट 3 करेंगे ऑफ 150 MCQs। सेट 1 एंड 2 मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने सेट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सेट 3 की जो PDF है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। वैसे तो मैं PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन जब आप MNS का मॉक टेस्ट दें तो अच्छे से पेन पेपर लेके बैठे हैं अपना स्कोर नोट डाउन करें, बिकॉज सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। क्लियर? तो PDF से आपका रिवीजन होगा, लेकिन सेल्फ एनालाइज भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं MNS मॉक टेस्ट सेट 3। एंड गाइज, कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, 150 क्वेश्चंस में से पहले 50 क्वेश्चन साइंस से हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल इज। इनमें से किस ऑर्गेनिल को ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल भी बोलते हैं। ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और स्पेरोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनिल है, बट ये दूसरे ऑर्गेनिल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसलिए राइबोसोम को ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज बी। आपको बताना है इनमें से कौन सी यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ऑप्शंस आर टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सारी ही यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन नाइट्राइड ऑन द सर्फेस ऑफ स्टील कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें आयरन नाइट्राइड की कोटिंग करते हैं, एक हार्ड कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्टील। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट द सर्फेस ऑफ शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल इज नोन एज। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को एट द शार्प एजेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिफ्रेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल इन जेनेटिक्स इज। इनमें से किस ऑर्गेनिज्म को एज अ रिसर्च मटेरियल यूज़ करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। ऑप्शंस आर न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, मॉरल्स एंड टफस एंड ब्रैकेट फंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंगी है ऑफ जीनस एस्कोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म इंडिकेटर है SO2 पॉल्यूशन के लिए। करेक्ट आंसर इज लाइकिन। लाइकिन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगई। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है स्पेशली SO2 के लिए, मतलब जिस एरिया में SO2 पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ लाइकिन ग्रो नहीं करेगा। इन दिस वे इट एक्ट इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब जिस जगह पर SO2 उगेगा प्रोड्यूस होगा सॉरी पॉल्यूशन होगा तो वहाँ लाइकिन ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फरस। इनमें से कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फरस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लैक फॉस्फरस। ब्लैक फॉस्फरस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। एलोट्रॉपिक्स एंड आइसोमेरिक में डिफरेंस क्या होता है गाइस, जो एलोट्रॉपिक्स है वो एलिमेंट्स के लिए होता है टर्म, मतलब इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म एक ही एलिमेंट का होगा जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। लाइक एलोट्रॉपिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक्स फॉर्म है, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड एंड बुकमिंस्टर फ्लोरेंस। एंड आइसोमर्स होते हैं किसी कंपाउंड के, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मे और मे नॉट बी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ऑप्शंस आर प्रोटोन, मीजोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेड काउ डिसीज इज।
करेक्ट आंसर इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स एक पॉजिटिव एजेंट है, डिसीज कॉज करता है मेड काउ, इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच फिनोमिनन शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो प्रूव करता है कि लाइट पार्टिकल नेचर है लाइट का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। एंड जो पोलराइजेशन फिनोमिना है, इट प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो ये भी याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव प्रूव होता है बाय पोलराइजेशन, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होता है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। क्वेश्चन नंबर 12, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन पर जो एलिमेंट्री चार्ज है दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, तो ये चार्ज किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिलिकन्स ने, बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे पता लगाया था कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो इतना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। ऑप्शंस आर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और ऑल ऑफ दीज। सी गाइज, पी एंड डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्शनल हैं। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। इसमें आपको विटामिन्स के नाम दे रखे हैं एंड साथ ही आपको उनकी डिफिशियंसी से होने वाली, जो डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज़ है वो आपको प्रोवाइड की है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B6 की डिफिशियंसी से लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख ना लगना, तो ये करेक्ट है, लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू विटामिन B6 डिफिशियंसी। विटामिन B1 कॉजेज बेरी, तो ये भी करेक्ट है। विटामिन B2 कॉजेज प्लेग्रा, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो प्लेग्रा है वो विटामिन B3 से होता है एंड विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। विटामिन B12 कॉजेज पर्निशियस एनीमिया, ये भी करेक्ट है। पर्निशियस एनीमिया होता है मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बाय आर सेल्स। एंड न्यूट्रिशियस एनीमिया का मतलब है कि जो आयरन की डिफिशियंसी है ब्लड के अंदर, दैट इज न्यूट्रिशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल बिकॉज इट। जो ओजोन लेयर है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेटोस्फेयर, इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। क्यों? बिकॉज इट हैज़ आयंस और इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो सिग्नल्स, इट रिफ्लेक्ट्स यूवी रेज और इट रिफ्लेक्ट्स इंफ्रारेड रेज। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो सकते हो, रिफ्लेक्ट्स यूवी रेज और रिफ्लेक्ट्स इंफ्रारेड रेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट्स यूवी रेज। सी गाइस, जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेज रिफ्लेक्ट करती है एंड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक CO2 एंड CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, ये दोनों रिफ्लेक्ट करती हैं इंफ्रारेड रेज को। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं दैट रिफ्लेक्ट्स इंफ्रारेड रेज एंड ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट्स यूवी रेज, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इट्स वेट। जब बॉडी को इक्वेटर से पोल तक लेके जाते हैं तो उसका वेट पर क्या असर पड़ता है, वेट में क्या चेंज आता है? ऑप्शंस आर रिमेन सेम, वेट सेम रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या ऑप्शन सी देखो, इंक्रीजेज एट द नॉर्थ पोल एंड डिक्रीजेज एट द साउथ पोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीजेज। वाई? बिकॉज जो वेट है W इज इक्वल्स टू mg, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है एंड जो जी की वैल्यू है वो इक्वेटर पर मिनिमम होती है एंड पोल्स पर मैक्सिमम होती है। तो जहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ वेट वैल्यू ज़्यादा होगी, वेट की वैल्यू, तो इसलिए पोल्स पर वेट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। इनमें से किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी? ऑप्शंस आर स्किल्डेन एंड श्वान, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन लिवेनहुक एंड रॉबर्ट हुक।
तो अगर आपको बाकी के ऑप्शंस पता हैं तो आप राइट आंसर डेफिनेटली टिक कर सकते हो। जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है तो ये नहीं हो सकता। एंटोनी वॉन ल्यूवेनिक डिस्कवर्स बैक्टीरिया, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्स न्यूक्लियस। सो द करेक्ट आंसर इज स्किल्डन एंड श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। आपको बताना इनमें से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है ना। ऑप्शंस आर सीजियम, इलियम, कोलन, रेक्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इलियम, बिकॉज ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। बाकी सीजियम, कोलम एंड रेक्टम ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय किन ब्रेन पार्ट से मिलकर ब्रेन स्टेम बनता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन फॉर लेंथेनॉइड्स। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है लेंथेनॉइड्स के अंदर। ऑप्शंस आर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन बी। एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ बोरोन इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक बेंजीन इनमें से कौन सी है। करेक्ट आंसर इज B3N3H6। क्वेश्चन नंबर 23, द करेंट प्रोड्यूसेस इन अ वायर व्हेन 10^7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग इन इट। सी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है करंट एंड आपको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसे। सी गाइज, अगर आपको करंट का फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है Q/T, दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड चार्ज क्या होता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10^-19 कूलम। तो इसे जो बोलते हैं चार्ज, मतलब टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10^7 इंटू 1.6 × 10^-19 कूलम, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि पर सेकेंड दे रखा है। तो आई क्या आ जाएगा, 1.6 × 10^-19 आएगा माइनस, क्योंकि इस पर बड़ा साइन बड़ी यूनिट पर है, तो −19 − 7 − 12। तो करेंट आ जाएगा 1.6 × 10^-12 एम्पियर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1.6 × 10^-12 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट स्टेबल एटम इज, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट स्टेबल एटम है। ऑप्शंस आर वेनेडियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और लेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज, कौन सा ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। करेक्ट आंसर इज कोबाल्ट, एंड कोबाल्ट को कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, कैंसर थेरेपी वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज, ऑप्शंस आर ट्रेक्योल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई एंड ट्रेकियाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सी गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस नहीं, अगर आपको कंडीशंस दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे डायरेक्टली पूछा होता कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तब आपको टिक करना होता लीवर,
लेकिन यहाँ पर कंडीशंस पुट कर दी है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉयड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा है टू गेट थ्री इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव प्लेन मिरर्स एट द एंगल ऑफ, प्लेन मिरर को किस एंगल पर रखा जाए जिससे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तीन इमेजेस बने। सी गाइज, अगर दो प्लेन मिरर्स को हम 90 डिग्रीज पर रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन मिरर है, फर्स्ट प्लेन मिरर, एंड दिस इज सेकंड प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पहली इमेज यहाँ पर बनेगी इसकी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर इमेज की बिहाइंड द मिरर, एंड दूसरी इमेज बनेगी इस मिरर से सेकंड मिरर से, एंड जो थर्ड इमेज है वो यहाँ से बनेगी। तो टोटल तीन इमेज हमें मिलेंगी व्हेन एन एंगल इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0। क्वेश्चन नंबर 30, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए इज रिलेटेड टू, ओके, जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड जब साइंटिस्ट उनकी स्टडी करते हैं तो उनको सीक्वेंसिंग करते हैं, मतलब पेयरिंग करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए ये रिलेट करती है कैरियर टेक्सोनॉमी से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट पोलर बॉन्ड इज, इनमें से सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा है। पोलर बॉन्ड सबसे ज़्यादा तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो बिटवीन टू एटम्स, डिफरेंट एटम्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 32, वायरस एनवलप इज नोन एज, ऑप्शंस आर विरियॉन्स, कोर, न्यूक्लियोप्रोटीन, कैप्सिड। सो द करेक्ट आंसर इज कैप्सिड, ये प्रोटीन एनवलप है वायरस का जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेनेरिया। तो फॉर एग्जांपल ये एक प्लेनेरिया है, एंड अगर इसको बीच में से कट कर दिया जाए तो इसका जो अपर पार्ट है इट फॉर्म्स अ कंप्लीट प्लेनेरिया, एंड ये जो लोअर पार्ट है बॉडी का ये भी एक कंप्लीट प्लेनेरिया बना लेगा। तो इस तरह से दो प्लेनेरिया बन जाएंगे जब एक प्लेनेरिया को हम कट करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया, ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 इज ओलीक्रेनॉन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन, ओलीक्रेनॉन प्रोसेस इनमें से किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस आर अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंट इन थाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, ओर ऑफ क्लोराइड इज, आपसे पूछा है इनमें से क्लोराइड का ओर कौन सा है। ऑप्शंस आर हॉर्न सिल्वर, जिंकेट, बॉक्साइट एंड फेल्डस्पार, करेक्ट आंसर इज हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंड हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है AgCl, तो ये ओर सिल्वर का भी है एंड क्लोराइड का भी है, AgCl इज द हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफिकेशन ऑफ, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है। ऑप्शंस आर -1, +1, 0 और बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो सी, अगर हम प्लेन मिरर कोई लेते हैं और उससे आज हम इमेज प्रोड्यूस करते हैं, तो इमेज जो बनती है वो अपराइट इरेक्ट बनती है, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, प्लस इक्वल डिस्टेंस पर होती है फ्रॉम द प्लेन मिरर, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर उतने ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म्ड होती है एट द बैक साइड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +1, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है +1 का।
ओके, आपको आंसर करना है कि व्हाट इज़ द फोकस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो फोकस है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ, ब्रेड बिकम्स पोरस बाय द रिलीज ऑफ CO2, ये किसके एक्शन के थ्रू होता है। ऑप्शंस आर ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 38, मम्स इज द वाइटल इन्फेक्शन ऑफ, किस ग्लैंड का मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शंस आर पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज मम्स इज द वाइटल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इसमें पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे हम मम्स बोलते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज, आपको बताना है लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेरोटोरियस, ये एक लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंड जो बिगेस्ट मसल है वो है ग्लूटेक्स मैक्सिमा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लूटेक्स मैक्सिमा, मैक्सिमा से आप याद कर सकते हो, ये बिगेस्ट मसल है इन द ह्यूमन बॉडी एंड द लॉन्गेस्ट इज सेरोटोरियस। क्वेश्चन नंबर 40, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, चिल्ड्रेंस के अंदर अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो उसका टर्म क्या है, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर अर्थराइटिस, रिकेट्स, गॉट और ऑस्टियोमलेशिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिकेट्स। एंड अगर सेम विटामिन डी की डिफिशियंसी एडल्ट्स में होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया। अभी इसका आंसर है बी, रिकेट्स, लेकिन एडल्ट्स में अगर पूछा जाए तो ऑस्टियोमलेशिया टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट EM वेव्स, इनमें से कौन सी EM वेव्स नहीं है। ऑप्शंस आर कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज और एक्स रेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरी विद, एक मिनट ये इंक्रीज नहीं आएगा यहाँ पर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर से जब हम ओके वेट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये सही है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, रिमेन सेम रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर नो रेगुलर पैटर्न इज फॉर्म्ड। सो द करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बिकॉज सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एंड जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिकुलर फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कमज़ोर होगा, इट बिकम्स वीकर। तो इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है, मतलब जो वाटर का जो स्टिफनेस है, वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 43, डीपोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय, ये नर्व कंडक्शन से रिलेटेड है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इनफ्लक्स ऑफ Na, पॉजिटिव आयन। ओके, नर्व कंडक्शन हम कभी अच्छे से किसी और वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन आर बॉडी इज, टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शंस आर 12, 24, 36, 48। कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 12 एंड 24 दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर पेयर्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है टोटल नंबर्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। पेयर्स पूछे होते तब 12 पेयर्स आप टिक करते, लेकिन यहाँ पर है टोटल, तो 24। क्वेश्चन नंबर 45, द इक्विलिब्रियम रेफर्स टू, इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, डायनेमिक स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट है, या फिर स्टेट ऑफ इनर्टनेस है।
करेक्ट आंसर इज, ये एक डायनेमिक स्टेट है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट से होती है. क्लियर, ये एक डायनेमिक स्टेट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मतलब रिएक्शंस फिर भी होती है, ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई है, बट वह इक्वल रेट पर होती है इसलिए वो रेस्ट में नजर आती है. बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमिक स्टेट. क्वेश्चन नंबर 46, आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल वॉल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 47, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्योरीन बेसिस ऑफ डीएनए आर, आपको बताना है प्योरीन बेस डीएनए का कौन सा है इनमें से. ऑप्शंस आर एडीनाइन एंड क्यूनाइन, एडीनाइन एंड साइटोसिन, एडीनाइन एंड यूरासिल और थायमिन एंड साइटिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए एंड जी. एडीनाइन एंड ग्यूनाइन आर द प्योरीन बेसिस ऑफ डीएनए. अब आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और इसे अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी गाइज, जो प्योरीन्स होते हैं दे आर द डबल रिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. ये नाइट्रोजन बेसिस के डबल रिंग है, मतलब ये जो इनमें जो नाइट्रोजन बेसिस हैं एडीनाइन एंड ग्यूनाइन, ये डबल रिंग है. एंड जो पायरिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग है. ठीक है, प्योरीन्स में एडीनाइन एंड ग्यूनाइन है, पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल है. यहाँ पर आपको फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो थायमिन है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि थायमिन डीएनए में प्रेजेंट है एंड यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट है. एंड चारग्राफ रूल के अकॉर्डिंग प्योरीन्स ऑलवेज पेयर विद अ पायरिमिडीन. तो यहाँ पर प्योरीन्स पायरिमिडीन के साथ बेसिस बनाते हैं. तो इसमें जो एडीनाइन है, जो जो एक प्योरीन है, इट फॉर्म्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन जो एक पायरिमिडीन है. तो ए एंड टी के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डबल होता है, एंड ग्यूनाइन एंड साइटोसिन इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 48, बाय अ मोनोक्रोमेटिक वेव वी मीन. मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब क्या है. ऑप्शन आर अ सिंगल रे ऑफ सिंगल कलर, अ वेव हैविंग अ सिंगल वेव लेंथ और मैनी रेज ऑफ सिंगल कलर. तो मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब है एक वेव हैविंग अ सिंगल वेव लेंथ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 रिस्पेक्टिवली आर. तो गाइज, क्लोरोफिल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो मेटल प्रेजेंट है, दैट इज़ मैग्नीशियम. तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले मैग्नीशियम आएगा. तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम. देन हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है एंड कोबाल्ट अभी बताया विटामिन B12 में प्रेजेंट है. नाउ लास्ट क्वेश्चन साइंस से, माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ. माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन आर एल्गी, फंगी, लाइकेंस एंड बैक्टीरिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंगी. नाउ रीजनिंग से क्वेश्चन है कुछ, पांच क्वेश्चन रीजनिंग से. क्वेश्चन नंबर 61, लेग इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, देन हुफ इज रिलेटेड टू वॉट. आपसे पूछा है हुफ किससे रिलेटेड है. सी गाइज, मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी इमेज यहाँ पर प्रोवाइड की है ताकि आपको समझ में आए कि जो हुफ है उसे हम कैटल्स के लेग्स को बोलते हैं. आपने सुना होगा हिंदी में इन्हें खुर भी बोलते हैं, खुर. क्लियर, तो ये खुर है काऊ में. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो लेग ह्यूमंस में एंड हुफ काऊ में. क्वेश्चन नंबर 62, बैट इज़ रिटन एज DCV, देन मैन इज़ रिटन एज वॉट. बैट को हम ऐसे लिख सकते हैं DCV, तो मैन को कैसे लिख सकते हैं. तो आपको यहाँ से कोड करना, डिकोड करना पड़ेगा कि यहाँ पर बी है पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट बी है पहले सीरीज़ का, और इधर डी है. तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कि बी के बाद सी आता है, इन्होंने डी लिखा है, मतलब सी को स्किप कर दिया तो बी डी हो गया. ए के बाद बी स्किप कर दिया, फिर इसके बाद क्या लिख दिया, बी ए बी सी. ठीक है,
ठीक है, एंड टी के बाद यू स्किप कर दिया, वी लिख दिया, तो एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट सॉरी स्किप करके लिखते हैं। मैन के बाद एम, यहाँ पर मैन है तो मैन को कैसे कोड करोगे, एम एन ओ, एन को स्किप करो, ओ लिखो, तो यहाँ पर ऑप्शन में बी तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब दूसरा अल्फ़ाबेट देखो, ए, ए के बाद क्या आएगा, बी, बी को स्किप करो, सी, तो ओ सी, ओ सी कौन से ऑप्शन में, ए में, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओ सी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अगेन अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है, तो इसमें पहला सीरीज़ का जो लेटर है के जी एम के, एंड सेकेंड जी एम के, थर्ड इज़ एम के जी। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तीन ही अल्फ़ाबेट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट, के जी एम, देन जी एम के एंड एम के जी। आपको इसको कैसे देखना है, पहले के जी एम है, ये साइकिल कैसे रिपीट हो रही है, के अब लास्ट में चला जाएगा, जी सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, सॉरी सेकेंड नंबर पर है ऑलरेडी, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, एंड एम जो लास्ट नंबर पर है ये सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जी एम के हो गया ये, एंड जी फिर लास्ट में चला जाएगा, तो जी लास्ट में चला गया। अब यहाँ पर जी लास्ट में है तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, सॉरी एम लास्ट, एम फर्स्ट में है तो ये लास्ट में जाएगा, एम लास्ट में चला जाएगा, जो के है यहाँ पर के, ये फर्स्ट पर आ जाएगा, तो एम लास्ट में होगा एंड के फर्स्ट में होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपको साइकिल कंप्लीट करनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ऑप्शंस आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग एंड लाफिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड लाफिंग, ये तीनों माउथ के फंक्शन है, क्लियर, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड लाफिंग, दीज आर द फंक्शन ऑफ माउथ। क्वेश्चन इसका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोइंग, क्योंकि गोइंग माउथ का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, अगेन फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ऑप्शंस आर जिंक, आयरन, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजीली ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट, चूज द वन विद बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, आपको ईडियम एंड फ्रेजेस के मीनिंग बता करने हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इज, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो है फ्रेज जिनका आपको मीनिंग पता करना है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 66, द स्टूडेंट वांटेड द होलीडे बट द प्रिंसिपल पुट इज फुट डाउन एंड सेड नो। तो पुट इज फुट डाउन का मतलब क्या होता है, फ्रिम डिसीजन, मतलब दृढ़ निश्चय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजर्टेड हिज अथॉरिटी, मतलब अपनी अथॉरिटी को फ्रेम रखना, कि स्टूडेंट्स ने बोला कि हॉलीडे पर जाना है बट प्रिंसिपल ने बोला नो, फ्रेमली। क्वेश्चन नंबर 67, द इशू ऑफ कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडो पाक रिलेशंस, इसका मीनिंग आपको पता करना है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, जो कश्मीर है इट इज़ द कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ये झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ट्रस्ट हिम इज एक्शंस आर अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबव बोर्ड का क्लियर, मतलब ऑनेस्ट, ट्रस्ट हिम इज हिज एक्शंस आर क्लियर और वी कैन से ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, दिस ए जॉइन आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द ली, तो इसका मतलब क्या है, टू ड्रिंक लाइफ टू द ली, करेक्ट आंसर इज बेसिकली लाइफ के मजे लेना आर्मी ज्वाइन करके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू हैव द बेस्ट फन एंड फॉर्च्यून। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लेप्स एंड बाउंड्स, लेप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शायद आपने गेम खेला होगा लेप्स वर्ल्ड करके। क्वेश्चन नंबर, अब आपको प्रिपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो पांच क्वेश्चंस प्रिपोजिशन से हैं,
क्वेश्चन नंबर 71, माय फादर गेट्स अप डैश 5 o'clock एवरी डे. माय फादर गेट्स अप एवरी डे 5 o'clock. सी, जब भी टाइम दे रखा हो, स्पेशली टाइम के साथ जो हम प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं वो होता है एट. तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो. एट में टी आ रहा है एंड ये टाइम के साथ हमेशा यूज़ होगा प्रिपोजिशन एट. तो माय फादर गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. क्वेश्चन नंबर 72, हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्टीज. तो बिसेट के बाद जो फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन है. बिसेट के बाद विद लगता है हमेशा, तो याद रख लेना हिज पाथ वॉज बिसेट विद डिफ़िकल्टीज. उसके जो इसका जो पाथ है, रास्ता है, वो डिफ़िकल्टीज से भरा है. क्वेश्चन नंबर 73, आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डैश माई फेट. अगेन रिजाइंड के साथ जो फिक्स्ड प्रिपोजिशन है वो आपको बतानी है कौन सी यूज़ होती है. करेक्ट आंसर इज टू. आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ टू माई फेट. ये कुछ फिक्स्ड प्रिपोजिशन है. नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर ही प्रोवाइड करूँगी फिक्स्ड प्रिपोजिशन पर. क्वेश्चन नंबर 74, देयर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड डैश. करेक्ट आंसर इज फॉर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देयर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर. क्वेश्चन नंबर 75, दिस वंडरफुल मॉन्यूमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड डैश 16th century. अभी आपको बताया जब टाइम पूछा जाए तो उसके साथ हम हमेशा एट यूज़ करते हैं, लेकिन जब ईयर पूछी जाए तो हमेशा इन प्रिपोजिशन यूज़ होगा. क्लियर? तो यहाँ पर पूछा गया है ईयर 16th century, तो यहाँ पर इन आएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दिस वंडरफुल मॉन्यूमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 16th century. चूज़ द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. 5 questions फ्रॉम कंजक्शन से है. क्वेश्चन नंबर 76, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर. तो आपको करेक्ट कंजक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सी गाइज, यहाँ पर जब भी कभी दो सेंटेंस हो एंड पहला नेगेटिव में हो, सॉरी पहला पॉजिटिव में हो, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 76 में, और बाद में नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इन दोनों कंजक्शन को, क्योंकि कंजक्शन का जो काम है वो होता है दो सेंटेंसेस को ऐड करना, तो यहाँ पर हमेशा हम बट यूज़ करेंगे जब दो सेंटेंस पहला पॉजिटिव में एंड दूसरा नेगेटिव में हो, तो उनको हमेशा एंड बट से जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बट. शी वॉज इंटेलिजेंट बट शी वॉज पुअर. वो इंटेलिजेंट है बट वो गरीब है, लेकिन वो गरीब है. क्वेश्चन नंबर 77, द पेशेंट हैज़ डाइड डैश द डॉक्टर केम. करेक्ट कंजक्शन क्या होगा. पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर आया नहीं उससे पहले पेशेंट मर गया, तो बिफोर आएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78, बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटिफुल. तो यहाँ पर करेक्ट कंजक्शन क्या हो जाएगा. सी, यहाँ पर दो नाउन हैं मीना एंड वीना, तो जब भी दो नाउन यूज़ होते हैं तो उन्हें कंजक्शन ऐड से ज्वाइन करते हैं, तो बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल. क्वेश्चन नंबर 79, डैश इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट. कुछ कंजक्शंस पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर येट के साथ हमेशा कंजक्शन ऑल दो यूज़ होगा, ऑल दो डॉट 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 येट. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल दो इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट. क्वेश्चन नंबर 80, डू यू नो डैश ही वॉज. जब भी किसी पर्सन की बात हो तो हमेशा यू यूज, हु यूज़ करना है, विच नहीं यूज़ करना है, विच किसी थिंग के लिए यूज़ होता है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डू यू नो हु ही वॉज. नाउ नेक्स्ट 5 questions फ्रॉम सिनोनियम्स, आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 81, बैनिश. बैनिश का करेक्ट मीनिंग क्या है. सी, एक वर्ड होता है वैनिश, VANISH. वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, और वी कैन से गायब हो जाना,
और बैनिश का मतलब होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला देना, देश से बाहर कर देना। क्वेश्चन नंबर 82, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है प्रेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कमेंट इज प्रेज। क्वेश्चन नंबर 83, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर इज ह्यूमिलिएटिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एनवाई का करेक्ट मीनिंग होता है जेलस, तो यहाँ पर जेलस का सिनोनियम है ग्रीव्ज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एनवाई का मतलब होता है जेलस और ग्रीव्ज। क्वेश्चन नंबर 85, पैरल। पैरल का मतलब होता है डेंजर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एंटोनियम से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स मतलब अपोजिट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्पररी, मोमेंट्री जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कैंडिड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिजर्व्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, एक्विट। इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट, गिल्टी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, फीजिबल। सी गाइज, फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, और वी कैन से पॉसिबल, जैसे हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ फीजिबल, एंड कभी हम यूज़ करते हैं दिस रिएक्शन इज़ नॉट फीजिबल, तो उसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली ये रिएक्शन जो है वो फीजिबल है, मतलब प्रैक्टिकली ये हो सकती है रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज़ नॉट फीजिबल, मतलब ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकली वो चीज़ हो, पॉसिबल हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, सब जानते हो जिसे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अननोन, ईजी है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चूज द वन वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग। आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है क्वेश्चन का, चूज द वन वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग फॉर द गिवन सेंटेंस डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 91, अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेड टेपिज्म। ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व हो, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हो, तो उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। क्वेश्चन नंबर 92, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर इक्वली ऑनर्ड। सी गाइज, जो भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर उसके जो सिमिलर ऑप्शंस इफ़ पॉसिबल हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करना, तो आप ज़रूर उसको करो सॉल्व पूरा ऑप्शंस के साथ जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इससे क्या है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपरेशन होगी, एंड बाकी सारे फील्ड में भी आपको थोड़ा नॉलेज होगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर इक्वली ऑनर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्युलर। ऐसी कंट्री या ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस फॉलो ना हो, एक रिलीजियस फॉलो ना करती हो, सारे रिलीजियस को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती हो। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, मर्डर ऑफ ए ब्रदर इज। किलिंग से क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किलिंग ऑफ ए ब्रदर और मर्डर ऑफ ए ब्रदर इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड इज़ द मर्डर ऑफ ए ब्रदर। होमीसाइड इज़ मदर ऑफ ह्यूमन, मर्डर ऑफ ह्यूमन, सॉरी। पैट्रीसाइड, सी पैट्रीसाइड एंड पेरीसाइड, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, और वी कैन से मर्डर ऑफ फादर, ठीक है, फादर की हत्या, उसे बोलते हैं पैट्रीसाइड। एंड पेरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स, जिसमें दोनों फादर एंड मदर आ जाएंगे। तो याद कैसे करना है,
दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि पेरी साइड में पी ए आर आ रहा है एंड पेरेंट्स की स्पेलिंग भी होती है पी ए आर ई एन टी एस, ठीक है, तो ईजी लर्न हो जाएगा पी ए आर फॉर पेरेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड, ऐसी वुमेन, ऐसी महिला जिसकी शादी ना हुई हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पिंस्टर. बैचलर बोलते हैं ऐसा बॉय है ना जिसकी शादी ना हुई हो, तो बैचलर हम यूज़ करते हैं बॉय के लिए और वी कैन से मेल के लिए एंड इन स्पिंस्टर फॉर वुमेन फॉर फीमेल. नाउ विडो, विडो ऐसी वुमेन जिसका हस्बैंड ना रहा हो, मर गया हो, तो उसे बोलते हैं विधवा, जिसे हम बोलते हैं विडो. एंड विडोअर अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 95, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग, लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसको मीटिंग में डिस्कस करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं. सो द करेक्ट, ट्रांजेक्टेड का मतलब होता है परफॉर्म या कैरी आउट करना किसी चीज़ को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजेंडा, एजेंडा डिस्कस होता है मीटिंग में. नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ड एंड क्लॉज, आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 96 है, हर डैश इज सो साउंड दैट इट अपीयर्स दैट शी हैज़ बीन टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजिक. फिजिक का मतलब होता है फिगर और बॉडी, तो हर फिजिक इज सो साउंड दैट इट अपीयर्स दैट शी हैज़ बीन टेकन रेगुलर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 97, सच डैश स्टेटमेंट्स कैनॉट बी टेकन सीरियसली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलिसिट. सच इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल, इलीगल, तो सच इलीगल और इलिसिट स्टेटमेंट्स कैनॉट बी टेकन सीरियसली. क्वेश्चन नंबर 98, द कॉटेज वॉज डैश ऑन द फायर बाय द रोबर्स, करेक्ट वर्ड है इसके लिए द कॉटेज सेट ऑन फायर. क्वेश्चन नंबर 99, प्रिया मेड अ डैश ऑफ हर हस्बैंड्स वार्निंग, तो प्रिया मेड लाइट ऑफ हर हस्बैंड्स वार्निंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 100, डिस्पाइट हिज डैश ही हैड टू सफर, करेक्ट आंसर इज डिस्पाइट हिज इनोसेंस ही हैड टू सफर. नाउ वी कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस, 50 फ्रॉम साइंस एंड 50 फ्रॉम इंग्लिश, अब लास्ट 50 क्वेश्चंस जीके से. क्वेश्चन नंबर 101, विच फेस्टिवल इन इंडिया कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स किस त्यौहार को बोलते हैं, किस फेस्टिवल को बोलते हैं, ऑप्शंस आर दिवाली, पोंगल, हॉर्नबिल और ओनम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हॉर्नबिल. हॉर्नबिल नागालैंड का फेस्टिवल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फ्रॉम फेब्रुअरी 22 टू मार्च 1, 2020. तो आपको याद रखना है पहला सिटी जो होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बस आपको इतना याद रखना है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कटक उड़ीसा. क्वेश्चन नंबर 103, हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, पहले CEC ऑफ इंडिया कौन थे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुकुमार सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द 71st रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 71st रिपब्लिक डे के बारे में पूछा गया है जो कि कब था, 2020 में. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 71st रिपब्लिक डे आपको याद रखना है, 71st रिपब्लिक डे 2020 का. यहाँ पर जो इस रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे वो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो. ऑप्शन सी इज़ द, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बस आपको याद रखना है जेयर बोल्सोनारो. एंड अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे,
जो कि अगर आप में क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं कि 70th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरिल रामाफोसा, जो कि प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105, द नेवल एक्सरसाइज नेम्ड नसीम अल बहार दैट हेल्ड इन गोवा रिसेंटली, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सॉरी इस एक्सरसाइज में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। ऑप्शंस आर इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड जापान एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया एंड ओमान। ओके, आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106, राजा भोज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राजा भोज एयरपोर्ट किस स्टेट में है। गाइज इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, भोज फॉर भोपाल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द न्यूली मर्ज्ड यूनाइटेड टेरिटरी यूनियन टेरिटरी यूटी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, दादर एंड नागर हवेली, ये एक यूनियन टेरिटरीज थी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया और आपसे पूछा है कि इनकी जो मर्ज करने के बाद जो कॉमन कैपिटल है वो कौन सी है। ऑप्शंस आर दमन, दीव, दादर और नागर एंड हवेली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दमन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दमन इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, मानव थक्कर बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नंबर प्लेयर रिसेंटली, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। एक्चुअली गाइज एनर्जी थोड़ी लो हो गई है पूरा रिकॉर्ड कर करके, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। मानव ठक्कर जो है इट इज रिलेटेड टू, ही इज रिलेटेड टू टेनिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, हावड़ा ब्रिज जिसे हम रविंद्र सेतु भी बोलते हैं, इट इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हावड़ा ब्रिज किस स्टेट में है। ऑप्शंस आर असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज बोट्सवाना में बहुत सारे एलिफेंट्स थे जो मर गए थे, आई नो वॉट इज़ द रीज़न, बट काफ़ी सारे एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोट्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, हु रॉट द जंगल बुक, जंगल बुक किसने लिखी। ऑप्शंस आर जेके रोलिंग, रोडयार्ड किपलिंग, लियो टॉल्स्टॉय, विष्णु शर्मा। सारे ही इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, तो जंगल बुक लिखी है रोडयार्ड किपलिंग ने, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इन्होंने लिखी है मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से इंस्पायर होके, तो इम्पॉर्टेंट है, रोडयार्ड किपलिंग ने लिखी है जंगल बुक, जेके रोलिंग ने लिखी है कौन सी, रोबो दैट इज हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर लिखी है जेके रोलिंग ने। लियो टॉल्स्टॉय की बहुत ही फेमस नोवेल है वॉर एंड पीस, तो वॉर एंड पीस लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने, इसे याद रख लेना वॉर एंड पीस। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 112, द प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर, द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड फ्रॉम इन 17th लोकसभा जनरल इलेक्शंस 2019 जो जनरल इलेक्शन थे उनके लिए जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन से हैं। करेक्ट आंसर इज ओम बिरला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ही इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड मैंने आपको बताया था कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है यही डिसाइड करते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल है भी या नहीं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 113, विच इंडियन सिटी इज़ नेम्ड एज मार्बल सिटी ऑफ इंडिया, किस इंडियन सिटी को मार्बल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शंस आर जयपुर, इंदौर, किशनगढ़ एंड भोपाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किशनगढ़, मार्बल सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 114, हु इज़ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया,
इंडिया के जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं, नेवी के चीफ, वो कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह। ही इज़ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड एयरफोर्स स्टाफ के हैं चीफ एयर मार्शल आर के सिंह भदौरिया। एंड जो आर्मी के स्टाफ के चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवने, CDS विपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 115, नेम द एशियाज लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल विच इज़ गोइंग टू कनेक्ट ले एंड श्रीनगर। आपको एशिया की सबसे बिगेस्ट टनल बतानी है जो ले को श्रीनगर से जोड़ेगी। इसका आंसर है जोजीला टनल, एशियाज लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मलेशिया। कैपिटल एंड करेंसी से भी जनरली एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वैसे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वालालंपुर एंड रिंगिट। क्वालालंपुर कैपिटल है एंड रिंगिट इसकी करेंसी है मलेशिया की। क्वेश्चन नंबर 117, नेम द इंडियन स्टेट विच अनाउंस्ड गायरसेन टाउन एज समर कैपिटल। इनमें से कौन से स्टेट ने समर कैपिटल गायरसेन रखी है अपनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून ही है, लेकिन समर कैपिटल न्यूली बनाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 118, पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट। पाना, कान्हा, माधव, ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी टाइगर सेंसस जो हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स थे, और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 119, देवभूमि द लॉर्ड ऑफ गॉड्स नोन टू, ये मैंने आपको करेंट अफेयर में बताया था। देवभूमि किस स्टेट को बोलते हैं? ऑप्शंस आर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ ड्रोन टू सैनिटाइज द सिटी एम्ड COVID-19 क्राइसिस। पहली सिटी जिसने ड्रोन का यूज़ किया है टू सैनिटाइज द होल सिटी, पूरी सिटी को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का यूज़ किस सिटी ने किया है? ऑप्शंस आर लखनऊ, इंदौर, पुणे, हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज इंदौर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21st of March, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे ये 21st of March को सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपको इसकी थीम बतानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि याद कैसे करना है इसकी थीम, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो सिर्फ इतनी है, बायोडाइवर्सिटी, लेकिन जब फॉरेस्ट डे आए तो उसकी थीम हो जाएगी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो आपको उसमें फॉरेस्ट ऐड करना है। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एंड इंटरनेशनल एनिमल डे, ये दोनों मैंने आपको बताए हैं, तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर करोगे। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इज़राइल कैपिटल। इज़राइल की कैपिटल क्या है? करेक्ट आंसर इज़ नीसेट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बताओ ड्यूमा एंड डाइट किस कंट्री की कैपिटल है? ड्यूमा एंड डाइट। क्वेश्चन नंबर 123, नेम द फर्स्ट इंडियन हु क्लेम्स हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑफ ऑल द 7 continents एंड एंटर्ड इनटू लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आपको बताना है इनमें से पहले भारतीय जिन्होंने वर्ल्ड के 7 हाईएस्ट वॉल्केनोज को क्लाइम किया है, समिट किया है, एंड उनका जो नाम है वो एंटर्ड हुआ है इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, फेमस आंसर, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर है सत्यरूप सिद्धांत, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। माउंटेनियर हैं ये सत्यरूप सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 124, द इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of April एवरी ईयर। ये आपको ज़रूरी नहीं है याद रखना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चेर्नोबिल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री?
जो चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था ये किस कंट्री में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 125, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 12th of May। ऑलरेडी एक घंटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 126, भूपेन बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? भूपेश बघेल ये चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट के? ऑप्शंस आर गोवा, झारखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 127, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है द हेग, नीदरलैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, दिब्रू-सिखोवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? दिब्रू-सिखोवा नेशनल पार्क किस स्टेट में? ऑप्शन आर नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। दिब्रू-सिखोवा है असम में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जो डेली करेंट अफेयर से अवेयर होते होंगे तो उन्हें पता होगा कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, तो इस कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे जब ये नेशनल पॉलिसी बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, के कस्तूरी रंगन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 120, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी डीपेस्ट लेक है, गहरी लेक कौन सी है? ऑप्शंस आर ह्यूरॉन, मिचिगन, वुलर, बाइकाल। सी, वुलर इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी वुलर लेक ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक बाइकाल। इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 131, लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? लालजी टंडन किस स्टेट के गवर्नर थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। रिसेंटली मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 132, हागिया सोफिया म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हागिया सोफिया ये जो म्यूज़ियम है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस म्यूज़ियम को मॉस्क में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे थे बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्की। ये टर्की में है हागिया सोफिया म्यूज़ियम और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेक है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पेंगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन अरावली रेंज? इनमें से कौन सी सबसे हाइएस्ट पीक है अरावली की? अरावली रेंज इज़ इन राजस्थान, राइट? तो आपको बताना है हाइएस्ट पीक कौन सी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुरु शिखर। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। क्वेश्चन नंबर 135, हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज? यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है नोबेल प्राइज के? करेक्ट आंसर इज मलाला यूसुफजई। इन्होंने ये नोबेल प्राइज रिसीव किया एट द एज ऑफ 17, तो शी इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। एंड आपको बताना है कि जो नोबेल प्राइज़ है जो पीस का है वो किस कंट्री में दिया जाता है। आई होप यू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 136, अर्बन फॉरेस्ट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? अर्बन फॉरेस्ट एक इनिशिएटिव है, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेट करती है? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 137, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग? दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग के करेंट CEO कौन है? सी, मैंने आपको बताया था जो नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं वो
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत, एंड जो अजीत डोवाल हैं ये तो आपको पता ही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल। क्वेश्चन नंबर 138, विच कंट्री विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2021। अगेन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये जो होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट 2021 का, ये करेगा इंडिया। क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का सी। क्वेश्चन नंबर 139, विच कंट्री गिव द मैन बुकर प्राइज इन लिटरेचर। कौन सी कंट्री मैन बुकर प्राइज देती है, जो कि हाईएस्ट प्राइज इन लिटरेचर आफ्टर द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज है लिटरेचर में, बट उसके बाद जो सेकेंड हाइएस्ट है मैन बुकर प्राइज, ये कौन सी कंट्री देती है। करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट वाज हिटलर्स टाइटल। हिटलर का टाइटल क्या था, जो डिक्टेटर था जर्मनी का। इसका करेक्ट आंसर है फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब होता है लीडर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141, नेम द सेंट हु इज नोन एज द सेंट ऑफ गिटर। करेक्ट आंसर इज मदर टेरेसा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मदर टेरेसा इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर। क्वेश्चन नंबर 142, क्लासिकल डांस ऑफ असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो और वो एग्जामिनर दे सकता है आपको ये क्वेश्चन। जो क्लासिकल डांस है असम का, आपसे फोक डांस नहीं पूछा है तो बिहू मत कर देना, क्लासिकल डांस पूछा है। क्लासिकल डांस असम का है सतरिया। अगर आपको बाकी के ऑप्शन पता होंगे और आपको ये भी पता होगा कि जो बिहू है फोक डांस है, तो इजीली आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। एंड डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए क्लासिकल डांस ऑफ असम इज सतरिया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, एंड मोहिनी अट्टम इज द डांस फॉर्म ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 143, बिहू इज द फोक डांस एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 143, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने रिपीट किए हैं करंट अफेयर्स में से, क्योंकि कुछ बच्चे करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर उनका फ़ायदा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। करंट अफेयर भी देख लिया करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कौन सा ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राइफल्स। क्वेश्चन नंबर 145, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप 2023। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड कप 2023 का। करेक्ट आंसर इज इंडिया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया होस्ट करेगा 2023 का वर्ल्ड कप। जो 2019 का वर्ल्ड कप था वो होस्ट किया था इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने ही ये जीता था 2019 का टाइटल वर्ल्ड कप का। क्वेश्चन नंबर 146, अगेन इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। राफेल फाइटर जेट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री। अभी रिसेंटली 5 राफेल जेट्स लाए गए हैं फ्रांस से टू द अम्बाला एयरपोर्ट इन इंडिया। तो ये जो राइफल फाइटर जेट्स हैं ये किस कंट्री से लिए गए हैं। ऑप्शंस आर अमेरिका, फ्रांस, रशिया एंड जापान। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस की डसॉल्ट कंट्री कंपनी ने बनाया है ये, फ्रांस की डसॉल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, जैन अवस्था सेक्रेट बुक ऑफ विच रिलीजन। जैन अवस्था किस रिलीजन की एक होली बुक है, एक पवित्र ग्रंथ है। करेक्ट आंसर इज पारसिज्म। पारसिज्म को हम जुरेस्ट्रियन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है जुरेस्टर्स, जुरेस्ट्रो जैद अवस्था। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ चेक। आपको बताना है जो चेक है उसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो कितना है। ऑप्शंस आर 6 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स, अगेन इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149, इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनफैक्ट इंडिया के अंदर एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा नेशनल पार्क, एंड इट इज़ इन सिक्किम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 150, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। इनमें से कौन सी रिवर को दक्षिण गंगा बोलते हैं, मतलब साउथ की गंगा।
क्योंकि ये साउथ की सबसे लंबी रिवर है। जैसे गंगा है पूरी इंडिया की सबसे लंबी रिवर, ऐसे ही दक्षिण गंगा साउथ की सबसे लंबी रिवर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। तो गाइज ये लंबी बहुत वीडियो हो गई बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए कंप्लीट देखना, आपके लिए बेनिफिट है। एंड वन मोर थिंग गाइज, थैंक्स क्योंकि आपने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी लाइक किया है मॉक टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड को, थैंक यू सो मच। ओके अगर एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे बोल रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे। टेम्प्ररी मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेती हूँ, जहाँ पर अपना आप नाम मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट को सेव कर दूँगी उस ग्रुप में। तो एक टेम्प्ररी टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐड होना है तो अपना नाम सेंड कर देना टेलीग्राम पर मेरे को, एंड टेलीग्राम का नाम है मेरे चैनल का MNS Prep। ओके हमारे चैनल का। ओके थैंक यू सो मच।